विजय कौशिक जी, सब जाति जाति चला चलेगा देश में क्या? जाति के अलावा देश में कुछ नहीं चलेगा? बजट में भी जाति, हलवे में भी जाति, कपड़ों में भी जाति। बोलिए अशोक भाई, मैं अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आज के समय में जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वाले संगठन सिर्फ एक डमी बनकर रह गए हैं, आप हिंदुओं की आवाज बनकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ जल्दी ही आप हिंदू संगठन के किसी के मुखिया हो सकते हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। सर, मुझे किसी हिंदू संगठन का मुखिया नहीं होना, लेकिन मैं एक हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जब बार बार राहुल गांधी मेरे हिंदू धर्म को गाली देते हैं, बार बार मेरे हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, तो मुझे गलत खराब लगता है। वो बाकी धर्मों का कितना सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो सिखों का सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम का सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो ईसाइयों का सम्मान करते हैं, वैसे वो हिंदुओं का भी सम्मान कर सकते हैं ना। लेकिन उनको मुझे नहीं मालूम राहुल जी की जाति क्या है, लेकिन इतनी नफरत उनके मन में हिंदुओं को लेकर क्या क्यों है? अशोक भाई, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात की। और इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए, यह भी उसमें लिखी है संविधान में। इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए। और राहुल गांधी को, राहुल गांधी अगर राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है जैसा वो दावा करता है, और हिंदू तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है, कोई अगर विदेशी परिवार से आए, कोई अगर जो है कोई पारसी हो, कोई मुस्लिम हो, वो भी अगर उसकी जाति बदलती है, तो हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि सबको स्वीकार कर लेते हैं। कोई अगर कह दे जनेऊ पहन ले तो हिंदू उसको ब्राह्मण मान लेते हैं। हिंदुओं में ऐसा भी नहीं कि जनेऊ ब्राह्मण को पहनने की इजाजत है, दूसरे दलित पहले भी जनेऊ, तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है विजय भाई, अगर इसकी शुरुआत हो तो इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई दलित ओबीसी आदिवासी को बैठाना चाहिए। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है हमारे सबके फेवरेट एंकर अशोक श्रीवास्तव और एक कांग्रेस के प्रवक्ता के बीच में। दरअसल ये जो राहुल गांधी हिंदुओं को लेकर अंटशंड बयानबाजी करते रहते हैं, डिबेट इसी पर चल रही थी। लेकिन आई गारंटी आज की डिबेट देखकर आप जरूर बोलेंगे कि प्रवक्ता भी इनको कहां तक बचाएं। दोस्तों, डिबेट के बारे में ज्यादा ना बताते हुए हम खुद ही डिबेट के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ हुआ। डिबेट में चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। ऐसी बढ़िया बढ़िया क्लिप्स आपके लिए आपका भाई लाता है तो सपोर्ट कर दें। तो चलते हैं पहले वीडियो में, पिक्चर चालू करो बे। विजय कौशिक जी, सब जाति जाति चला चलेगा देश में क्या? जाति के अलावा देश में कुछ नहीं चलेगा। बजट में भी जाति, हलवे में भी जाति, कपड़ों में भी जाति। बोलिए अशोक भाई, मैं अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आज के समय में जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वाले संगठन सिर्फ एक डमी बनकर रह गए हैं, आप हिंदुओं की आवाज बनकर मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ जल्दी ही आप हिंदू संगठन के किसी के मुखिया हो सकते हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं आपको। सर, मुझे किसी हिंदू संगठन का मुखिया नहीं होना, लेकिन मैं एक हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। जब बार बार राहुल गांधी मेरे हिंदू धर्म को गाली देते हैं, बार बार मेरे हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, तो मुझे गलत खराब लगता है। वो बाकी धर्मों का कितना सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो सिखों का सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम्स का सम्मान करते हैं, जिस तरह से वो ईसाइयों का सम्मान करते हैं, वैसे वो हिंदुओं का भी सम्मान कर सकते हैं ना। लेकिन उनको हिंदू, मुझे नहीं मालूम राहुल जी की जाति क्या है, लेकिन इतनी नफरत उनके मन में हिंदुओं को लेकर क्या क्यों है? अशोक भाई, सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दी थी। सर, मैं उसकी, सर मुझे राहुल जी पर बताइए, मुझे राहुल जी पर बताइए प्लीज। मैं सिखों का सम्मान करता हूं, मैं ईसाइयों का, मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूं, उनके गुरुओं का, उनके पैगंबर साहब का, और सबका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं सीधे से आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने आज जो बातें कही, मुझे बताइए राहुल गांधी हिंदुओं को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं? अगर आप एंकर होकर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। बड़े बड़े गुरु शहीद हुए, आप तो बात ही उठा रहे हैं, केवल लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब बात राहुल गांधी जी की हम कर लेते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपकी रिसर्च है जिसके मुताबिक राहुल गांधी जी हिंदुओं को अलग अलग बांटकर अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, कम से कम मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह से गलत बात है। ये बात जरूर सत्य हो सकती है कि उनके सलाहकार उनके सामने जो तस्वीर पेश कर रहे हों उसके मुताबिक राहुल गांधी जी अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत ना कर पा रहे हैं। अब उसमें आपने कहा कि भाई उसमें वामपंथी हैं, उसमें अर्बन नक्सली हैं। मैं ये कह रहा हूं, देश की तो छोड़िए, अगर हम अर्बन नक्सली और वामपंथियों के हिसाब से कांग्रेस को चलाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो जाएगी। देश तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की चीज है। देश तोड़ने की बात सोचना तो बहुत बड़ी बात है, हम कांग्रेस को ही तोड़ लेंगे। और जो आपने बातें रखी हैं बिल्कुल तर्कसंगत रखी है कि भाई राहुल गांधी जी को भी हर आदमी की जाति देखकर मिलना चाहिए और जाति के हिसाब से कांग्रेस में बंटवारा कर देना चाहिए। कम से कम ब्राह्मण समाज को भी पता चलेगा, वैश्य समाज को भी पता चलेगा कि भाई कहीं इस आरक्षण के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं ब्राह्मण और वैश्य समाज की कांग्रेस में भी कहीं जरूरत नहीं रही है। तो कम से कम एक फैसला लेने में तो आसानी होगी।
जो बात हम देश पर लागू करना चाहते हैं वो हमें पार्टी में करनी चाहिए निश्चित तौर पर। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। विजय कौशिक जी बधाई आपको, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो कांग्रेस में आपके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वैसे मुझे नहीं पता उस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह बनती है नहीं बनती उस जगह के हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी जाति क्या आपको ज्यादा बेहतर होगा। मैं उनकी जाति के बारे में ना जानता हूं ना मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम उनका हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा कांग्रेस के अंदर। सुनिए, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, उन्होंने अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था, आपकी जानकारी के लिए भी आपको स्पष्ट कर दूं मैं, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम होगा। उस हिसाब से वो ब्राह्मण हुए तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम ब्राह्मण होकर ये दावा करते हैं कि वे पिछड़ी जाति और उनके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कांग्रेस के संविधान में हमें ये बात लिखनी होगी कि कांग्रेस की तरफ से जब भी प्रधानमंत्री या मंत्री जितने भी बनेंगे वो सब उन्हीं जातियों के होंगे, ब्राह्मण वैश्य उच्च जात से। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही, और इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए, यह भी उसमें लिखिए संविधान में, इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए। और राहुल गांधी को, राहुल गांधी अगर राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है जैसा वो दावा करते हैं, और हिंदू तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है, कोई अगर विदेशी परिवार से आए, कोई अगर जो है कोई पारसी हो कोई मुस्लिम हो, वो भी अगर उसकी जाति बदलती है तो हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है कि सबको स्वीकार कर लेते हैं। कोई अगर कह दे जनेऊ पहन ले तो हिंदू उसको ब्राह्मण मान लेते हैं, और हिंदुओं में ऐसा भी नहीं कि जनेऊ ब्राह्मण को ही पहनने की इजाजत है, दूसरे दलित पहले भी जनेऊ पहनते, तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है विजय भाई, अगर इसकी शुरुआत हो तो इसकी शुरुआत जो है नेता प्रतिपक्ष के पद से होनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई दलित ओबीसी आदिवासी को बैठाना चाहिए। मेरी दो लाइनें और सुन लीजिए, मैं एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं, वो बात राहुल गांधी जी तक जरूर पहुंचेगी, मुझे उम्मीद है कि जो उनके सलाहकार हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जाति का झगड़ा केवल हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी उससे ज्यादा है, ईसाइयों में भी उससे ज्यादा है। उनके यहाँ पोप को लेकर कितनी तरह की बातें चलती हैं और उनके यहाँ कितने जातिगत झगड़े हैं, आप किसी भी जाति को ले लीजिए, सिखों के अंदर भी है। और मैं तो सिख भाइयों से भी पूछता हूं कि भैया अगर आप हिंदुओं का हिस्सा नहीं है तो स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण के आगे मंदिर क्यों है। विजय कौशिक जी आप आज मेरी तरफ से बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूं, लेकिन आप कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, देश की तरफ, अगर आप देश की तरफ से बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी देश की तरफ से नहीं बोल रहे। बहुत अच्छी बात है, इस बात को अगर कांग्रेस में लोग स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश की तरफ से नहीं बोल रहे, अशोक श्रीवास्तव और विजय कौशिक देश की तरफ से बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग जो है इस तरह से दिल खोल कर बोले, हिम्मत करके बोले। मैं कांग्रेस के नेताओं को भी कहता हूँ, डरो मत कांग्रेस के नेताओं, बोलो जिस तरह से राहुल गांधी हिंदुओं को लगातार अपमानित कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं। मैं हर कांग्रेसी से कहूंगा डरो मत, विजय कौशिक की तरह बिना डरे बोलो। दोस्तों आई गारंटी अगर ये क्लिप कांग्रेस के सर्वासर्वे या बड़े नेताओं तक पहुंचती है तो ये जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं ये ज्यादा दिन के बाद टीवी के अंदर नहीं दिखेंगे, ये एक पक्की बात है। बाकी आपको डिबेट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।